खाकी की आड़ में बालू से लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। उस मामले में भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद से ही सहर थाना प्रभारी आनंद कुमार फरार है। उस मामले की जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। तो एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और इतना ही नहीं, सहर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि सस्पेंड होने के बाद से ही थाना प्रभारी आनंद कुमार फरार है और इस मामले की जानकारी खुद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। तो खाकी की आड़ में बालू से लदे ट्रकों की अवैध वसूली हो रही थी, उस गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं इसके अलावा भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और निलंबन के बाद से ही सहर थाना प्रभारी आनंद कुमार फरार चल रहा है। एक संजय यादव जो कि ट्रक ड्राइवर और ओनर दोनों हैं, वो कंप्लेन किए थे कि जब वो उनकी गाड़ी ट्रक अरवल होते हुए सहर होते हुए आ रही थी, तो उसी दौरान सहर में कुछ प्राइवेट व्यक्ति और कुछ पुलिसकर्मी भी उनको पकड़ के पैसा लिए और कुछ पैसा जो बकाया था उसकी डिमांड हम इसे करते आ रहे थे। उस पर हम लोग ने जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था उसके यहाँ रेड कराया गया, जो रेड में उसके यहाँ से करीब 7.5 लाख रुपये बरामद हुए।